ये बाबा के हाथ का लगा हुआ है, 200 साल का पुराना दरख्त है। कौन से बाबा का नाम? बाबा और आप हर साल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस हम जा रहे हैं सात बेले जो कि दरिया के अंदर मंदिर है और इसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो कौन हम इसको बैक कैमरे से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके और फिर जो है हम गाइस ये जो रास्ता है ये ऊपर जाएंगे हम इसे और बिल्कुल नदी के क्लोज पहुंच जाएंगे। तो आपको सामने से दिख रहा होगा मंदिर। मेले के जो जितने भी यात्री थे जो कि यहाँ पे आ चुके हैं इस मंदिर पे। तो गाइस हमें मंदिर जाने के लिए मतलब कि एक बोट बुक करनी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए मंदिर तक। तो बोट हमें कहाँ से मिलेगी? वो जैसे वो जा रही है बोट वैसे हमें जाना पड़ेगा और वहाँ तक हम पहुँचेंगे बोट के ज़रिए। ये मंदिर काफ़ी मतलब ये सदियों से यहाँ पर है, बनाया गया है काफ़ी सदियों से, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। ये नदी के बीचों बीच है। दिखा था वहां पे। तो गाइस इस कश्ती पे हम जाएंगे, ये कश्ती में लेने के लिए आ गई है। तो इस कश्ती की कोई भी मतलब टिकट वगैरह नहीं है मंदिर पे जाने के लिए, बिल्कुल तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कश्ती की ओर। आखिरकार तो गाइस पब्लिक बहुत ही ज्यादा है, भीड़ लग जाएगी। इससे अच्छा कि हम पहले से ही आ गए यहां पर और चलने लगे हैं कश्ती पे। ये आप देख सकते हैं, अब ये देख सकते हैं मतलब कि इसके अंदर कैसे हमें चलना है बैठना है। तो ये भाई पहले बांधे गए यहाँ से रस्सी। तो गाइस आप हम चढ़ने लगे ऊपर इसके, ऐसे चला जाता है यहाँ पे क्योंकि पानी के अंदर है इसलिए हिल रही है। और अब मैं चढ़ गया हूँ इसके ऊपर। अब हम देखेंगे कम पैसेंजर यहाँ पे बैठे हुए हैं, फुल हो जाएगी फिर उसके बाद ये चलने लगेगी। नहीं दौड़ेगी दौड़ेगी। ये भाई कश्ती बहुत ही ज्यादा भर चुकी है, आप देख सकते हैं। ये कश्ती भी एक देसी कश्ती बनी हुई है और दूसरे फुल भरी बाहर भी फुल रहे हैं। और कुछ नहीं, पेट्रोल की बचत, कश्ती पूरी हिल रही है। Thank you.
बीच में हम ऑन कश्ती एंड चाचा ड्राइवर गाइस जो हम जिस कश्ती पे आए वो कश्ती ये है, हम उतर गए हैं कश्ती पे और मंदिर पे और अब जा रहे हैं। क्लोज से हम इसका बात से आप बात आपको ये दिखाएंगे, पहले हम बारी बारी से आपको थोड़ा थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं। तो गाइस यहाँ के जितने भी मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर जो भी है इस मतलब के जगह पे, वो हम आपको विजिट कराएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, थैंक यू। अब हम चलते हैं, मतलब जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं उनका व्यू आपको दिखाएंगे इसके बैक कैमरे से। तो गाइस जी हमारे साथ आंटी मौजूद है। हेलो आंटी, नमस्ते। जी आप कहाँ से आइए? लाड़काने से। आप ऑलरेडी वहाँ पे आती हैं पहले से? शादी पहले रोड आते हैं ना, फिर इधर भी आते हैं घूमने के लिए। ये मेला कब होता है? साल में एक दफा, 9 महीने में लगता है। और आप हर साल भी आते हैं? सही, रोड आते हैं, रोड से सही की दरगाह पर आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप घर जाते हैं। और सब ठीक है? सब ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो गाइस ये शेरावाली माता का मंदिर है। जय माता दी, जय माता। तो गाइस ये हम ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये कितने साल पुराना है, हम ये बाबा के हाथ का लगा हुआ है, 200 साल का पुराना दरख्त है। कौन सी बाबा का नाम? बाबा बनखंडी बाबा जी, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु बाबा। अच्छा ये 3 दरख्त है? ये एक है, ये एक है, एक ये है, एक पीछे है। सही है, थैंक यू बाबा। ये है श्री गणेश मंदिर। तो अब हम आए हैं
चलिए रेशमा मान लीजिए जय श्री राम एंड सरस्वती माता तो गाइस ये है स्पेशल जयश हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले मंदिर पे तो ऐसे जितने भी मंदिर होंगे सब तो गाइस ये शिवलिंग का शिवलिंग हर महादेव जय श्री राम जो पहले दरख्त बताया था वो और ये दो हो गए दरख्त तीन ये बल्कि सॉरी तीन हो गए दो ये हो गए और एक वो जो पहले दरख्त बताया तो गाइस ये शिवलिंग है बाबा रामदेव ये भी मंदिर जो है बन रहा है अभी ये मंदिर नहीं ये कमेटी हॉल ऐसे कमेटी हॉल है जो लोग बैठते हैं मेला लगता है अच्छा यहाँ पे बैठने के लिए कमेटी हॉल मिल मतलब ये जितने भी हैं सारे साधु संत जिन्होंने समाधियाँ ली हुई और जो इधर बहुत तपस्या की है बहुत तपस्या की हुई है बहुत पुराना चार पाँच सौ साल पुराना मंदिर है ये संतों के नाम नहीं आते हैं महाविष्णु मंदिर तो अब हम तो गाइस ये बाबा रामदेव मंदिर है तो गाइस ये जो तपस्या यहाँ पे साधु संत करते थे ये उनकी समाधि है बहुत ही ज़्यादा पुरानी है बहुत बहुत ज़्यादा 300 साल पुरानी ये बाहर भी है अच्छा ये दुखी घाट है जो सामने है जी तो गाइस ये दुखी घाट है जो भी मतलब के होते हैं और जिसके भी दुख होते हैं सारा कुछ ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे जो भी सच्चे दिल से मांगे यहाँ पे भी शिवलिंग विराजमान
तो गाइज आई होप कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।